तो बिहार में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम नीतीश ने बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में धान खरीद के लिए लक्ष्य तय हो, साथ ही गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखें। बता दें कि इस बार 15 फरवरी 2025 तक धान की खरीद होगी। धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा भी मौजूद रहे। तो धान चावल अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वो धान का हमारा है 45 लाख मीट्रिक टन, और भारत सरकार ने तय किया है दर, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो है, साधारण धान का दर है 23 रुपये प्रति क्विंटल, जो बढ़ाया गया है राशि पहले से, और ग्रेड ए का जो रेट है 2320 रुपये प्रति क्विंटल जा करके। आज 1 नवंबर से उत्तर बिहार के 5 कमिश्नरी में कोशी, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, दरभंगा प्रमंडल के 19 जिलों में 1 नवंबर 24 से 15 फरवरी 25 तक धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।